हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स की भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मोटिव्स अलग है, ऑब्जेक्टिव्स अलग है। ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप करते हैं यानी क्या करते हैं ये समझो। ट्रांसजेनिक एनिमल किसे रेफर कर रहा है, ये टर्म किसे रेफर करती है? तो एक ऐसा एनिमल जिसमें डेलिबरेट जानबूझ के मॉडिफिकेशन किया गया है उसके जीनोम में, यानी जीनोटाइप में। ऐसा तो हम लोग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, आर्टिफिशियल म्यूटेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहते हुए डेलिबरेट मॉडिफिकेशन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मेन आइडिया क्या है इस मैनिपुलेशन का? इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जिस कैरेक्टर के लिए हम लोग इस एनिमल को डेवलप करना चाहते हैं, वो कैरेक्टर का जीन यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मेन आइडिया ये नहीं है ना, मेन आइडिया ये है कि उसका इंट्रोडक्शन ये जर्म लाइन में हो, जर्म सेल में भी वो चेंज आना चाहिए। जर्म लाइन यानी या तो स्पर्म ओवम, बराबर। प्लांट के लिए इट विल बी पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक, बट यहां वो जर्म लाइन का मतलब स्पर्म एंड ओवम है, बराबर। ताकि वो मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल सारे सेल्स में एक्सप्रेस हो। अलग अलग टाइप के एनिमल्स डेवलप किए हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, और हम लोगों को उसमें लिस्ट में मिलते हैं माइस, रैट। जीनस अलग अलग, ये बात याद रहे। रैबिट्स, पिग्स, काउज, फाउल्स, फिश एटसेट्रा। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। वाइड रेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स में से कुछ पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में जो दिए हैं उन्हीं को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में वापस से इस बात पे जोर दे रहा हूं कि टेक्स्ट बुक के बाहर मैं बिल्कुल ही नहीं जा रहा हूं, उसमें जितने पॉइंट्स है वही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को जब मैं पढ़ता हूं तो तुरंत मुझे यहां दिखता है कि भाई ये जो पॉइंट है ये 2 मार्क के क्वेश्चन का है या 3 मार्क के क्वेश्चन का है। ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? जो जीन अंडर एक्सप्रेशन है, जो मॉडिफाइड जीन है, वो कॉम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम में काम कर रहा है कि नहीं स्पेसिफिक टाइप का, ये इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिकोलॉजी में भी है। रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमल डेवलप करना टॉक्सिकेंट्स के डिटेक्शन के लिए ये जरूरी है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं उनका एनिमल्स पे इफेक्ट देखा जाता है, और फिर उससे आगे की प्रोसेस सारी तय होगी। मैमिलियन डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, जीन फंक्शन, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, जीन सीक्वेंसिंग, जीन मैपिंग, इसमें भी हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जब बात करेंगे तो किसी भी जीन का एक्सप्रेशन किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है इसका एनालिसिस जरूरी है, और फिर जो स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज हम लोगों ने लाया है एनिमल के लेवल पे उसका इवेल्युएशन करना जरूरी है कि वो आया है या नहीं आया है, वो पूरे तरीके से हुआ है कि नहीं, या एक्सप्रेशन में कोई गड़बड़ हुई है। ये सारा पार्ट हम लोग इसके थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करेंगे तो टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स, ड्रग प्रोडक्शन, बराबर, इफिशियंसी ऑफ ड्रग, इसकी टेस्टिंग, इनके लिए भी एनिमल्स डेवलप किए जाते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए एनिमल्स कैन बी यूज्ड, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स जो होते हैं, जो इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन के लिए है, मीट प्रोडक्शन के लिए है, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन है ताकि हर्ड साइज बढ़े,
या फिर एक्वाकल्चर है उसमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों में चेंजेस लाए जा सकते हैं एनिमल के, ये भी देखा जाएगा, और स्पेसिफिक टाइप के ब्रीड जो है वो भी प्रोड्यूस किए जाएंगे। एनिमल्स को हम लोग जेनो ग्राफ्टिंग के लिए डेवलप कर रहे हैं। इस वर्ड के मीनिंग पे मैं आना चाहूंगा, दो वर्ड्स है, एक है जेनोज और दूसरा है ग्राफ्टिंग। जेनोज का मतलब है अननोन और ग्राफ्टिंग का यहां मैं मीनिंग ले रहा हूं टू पुट इनटू। एक ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ग्राफ्ट करना, रखना और उसके फंक्शन को देखना, यह होता है जेनोग्राफ्टिंग। एक मार्क। अब ऐसे सारे यूजेस के ऊपर हमें फोकस करना है। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, वो ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च। हर एक पार्ट दो मार्क के लिए हो सकता है, कुछ दो मिलाकर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक माइस हम लोगों ने डेवलप किए हैं सर्टन ऑन्कोजीन जो है उनको यूज करके। ऑन्कोजीन का मतलब क्या, तो कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन या कैंसर से रिलेटेड जीन, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। लेबोरेटरी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो इसके लिए इन्हें डेवलप किया। अब इसके थ्रू हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ऑन्कोजीन्स और कैंसर डेवलपमेंट, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या, इसका आंसर लेना जरूरी है। कैंसर ट्रीटमेंट में, ट्यूमर बढ़ने को रोकने में ये सारा पार्ट यूज किया जा सकता है। फिलिप लीडर ने ट्रांसजेनिक माउस मॉडल डेवलप किया था फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक मार्क का क्वेश्चन बनता है यहां, कौन से दो जीन्स यूज किए, वो भी एक मार्क का क्वेश्चन है। MYC और RAS या ऑन्कोजीन्स को एनालाइज किया गया और फिर ये जीन्स जो है वो ट्रांसफर किए गए ताकि ये हमें पता चल सके कि ये ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करते कि नहीं करते माउस में। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स का है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स जब हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो मीट प्रोडक्शन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एबिलिटी, मिल्क यील्ड एट इंक्रीज्ड लेवल, न्यूट्रिशन एज वेल एज क्वांटिटी। ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का डिसीज फ्री स्टेटस काम का है, लेदर प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन है, दुनिया भर की चीजें एनिमल से मिलती है। होल्स्टेन काउ जो है वो 6000 लीटर्स ऑन एन एवरेज हर साल मिल्क देती है, जिसमें से बेस्ट वन जो है वो 8 से 10 हजार लीटर तक प्रोडक्शन देती है। बहुत साल पहले कोई फाउल बर्ड जो है वो 70 एग्स पर ईयर देता था, आज HH250 जो है 260 वो हम लोग को 250 अंडे पर ईयर देती है। ऑल दिस इज पॉसिबल ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके भी मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है तो ये भी एक दो मार्क का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, चार पॉइंट्स, दो पॉइंट जो भी एग्जामिनर आपको पूछे बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। मीट प्रोडक्शन की इफिशियंसी, ज्यादा मीट बनना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का बनना चाहिए, कुकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए, एग प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, वूल की क्वालिटी क्वांटिटी इसमें इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंट होना चाहिए एनिमल लोकल कंडीशंस में, और लो कॉस्ट फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल्स जो है वो भी एनिमल्स ने प्रोड्यूस करने चाहिए। इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। ट्रांसजेनिक कैटल हम लोग फूड प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, बराबर। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक बोवाइन बीटा और कैपा केसिन, ये जो पर्टिकुलर जीन्स है, इनको डेयरी कैटल में इंट्रोड्यूस किया गया फॉर इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन एंड इंप्रूव्ड मिल्क कंपोजिशन, बराबर। जिसके चलते 8-20% इंक्रीज मिला है बीटा केसिन में मिल्क में और 2-fold इंक्रीज मिला है कैपा केसिन में। ये जो लाइन है ये MCQ के लिए यूज की जाएगी और तब आंसर में जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है वो पूछा जाएगा, ये भी एक मार्क का क्वेश्चन बनता है। ह्यूमन थेरेपेटिक में ट्रांसजेनिक कैटल का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स जो है ह्यूमंस के, ह्यूमन लैक्टोफेरिन है, ह्यूमन अल्फा लैक्टेल्ब्यूमिन है, ह्यूमन सीरम अल्ब्यूमिन है, ह्यूमन बाइल सॉल्ट है, ये सारे के सारे, या फिर स्टिमुलेटेड लाइपेज, ह्यूमन बाइल सॉल्ट स्टिमुलेटेड लाइपेज, ये एग्जांपल्स है ऐसे एक्सप्रेशन के जो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ले रहे हैं।
ये एक पर्टिकुलर जनरल ऑब्जर्वेशन है कि मेमोरी ग्लैंड जो होती है काऊ की, उनको फैक्ट्रीज की तरह यूज किया जा सकता है ऐसे प्रोडक्शन के लिए, ऐसे प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए। ऐसा एस्टिमेशन है कि एक ट्रांसजेनिक काऊ ये एनुअल ग्लोबल सप्लाई जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट का है फैक्टर 9 का, ग्लोबल लेवल पे जितनी जरूरत है उतनी अकेली वो काऊ प्रोड्यूस कर सकती है। हम लोग इसे हीमोफीलिया ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। स्विट्जरलैंड में एक ट्रांसजेनिक काऊ डेवलप की गई जिसका नाम है ट्रेसी। इट कैन प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनर मिल्क फॉर ह्यूमन थेरापेटिक्स। ह्यूमन एंटीबॉडी प्रोडक्शन को लेकर जेनेटिकली मॉडिफाइड काउज जो है उनको डेवलप किया गया, उनको ऐसे वैक्सीन से इम्यूनाइज किया गया और एंटीबॉडीज डेवलप की गई। ऐसे सारे टेक्निक से एंटीबॉडीज डेवलप की जा सकती है किसके लिए, इन्फेक्शियस डिसीजेस, कैंसर, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, एंटीटॉक्सिन से, ये सारी चीजें बनाई जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसजेनिक शीप को डेवलप किया क्यों, फॉर बेटर ग्रोथ, मीट प्रोडक्शन बराबर, एंड टू सर्व एज बायोरिएक्टर। और इसके लिए क्या किया गया कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है उसका जीन शीप में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि उसका एक्सप्रेशन मिले। दो बैक्टीरियल जीन्स का भी यूज हुआ, एक है CYSE और CYSM। ये किस चीज से रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड विद द बायोसिंथेसिस ऑफ सिस्टीन अमाइनो एसिड, जो केराटीन प्रोटीन मूल में मिलता है ना उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके फॉर्मेशन में इसका रोल है और वूल प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा एम है। ये जितने जीन्स है इनको आइडेंटिफाई किया गया, क्लोन किया गया, शिप में इंट्रोड्यूस किया गया और इंक्रीज्ड वूल प्रोडक्शन मिला विद द इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द वूल। ट्रांसजेनिक पिग्स, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, इंक्रीज्ड ग्रोथ, मीट प्रोडक्शन और बायोरिएक्टर, ये कॉमन पॉइंट हो गया। बट ये मोस्ट सूटेबल एनिमल कंसिडर किया जाता है फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट ड्यू टू सेम साइज एज दैट ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हम लोग डिकेड से पिग के हार्ट वॉल्स यूज कर रहे ह्यूमन हार्ट सर्जरी में, और इसलिए ऑथर ने यह बोला है कि पिग क्लोन जो है इट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एनिमल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स, जिसे हम लोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, कि पिग के बॉडी में उनकी डेवलपमेंट और फिर उसका यूज हमारे लिए। इसके बाद ट्रांसजेनिक फिश इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेज जितनी है उनको ट्रांसफेक्ट किया गया विद ग्रोथ हार्मोन, चिकन क्रिस्टलाइन प्रोटीन और ई कोलाई का हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन, जो स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कोल्ड रेजिस्टेंस डेवलप हुआ और इंप्रूव्ड ग्रोथ, ये दोनों एस्पेक्ट कवर हुए। इससे क्या मिला, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फिश प्रोटीन बढ़ी, रिजर्वेशन के टेक्निक्स को रिस्पॉन्सेस बढ़े बराबर, और इससे क्या हो गया कि इकोनॉमिक वैल्यू जो है फिश की वो बढ़ी। ट्रांसजेनिक चिकन, अब पोल्ट्री और ये सब पढ़ने के बाद ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं बराबर। कैरी एंड एक्सप्रेस फॉरेन जीन्स, जेनेटिक मेकअप इंप्रूव हुआ एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स में, रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वायरल और कॉक्सीडियल डिसीजेस के अगेंस्ट, फीड इफिशियंसी बढ़ी, फैट कंटेंट कम हुआ, कोलेस्टेरॉल लेवल भी कम हो गई, हाई प्रोटीनस एग्स की डेवलपमेंट और बेटर क्वालिटी मीट, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन दोनों को लेकर मैं 2 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं, या फिर इसमें से किसी भी एक को पिक के साथ कपल करके एक क्वेश्चन बन सकता है, या तीनों पे मिलकर एक क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे सारे एस्पेक्ट्स के साथ हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप करते हैं। ये टॉपिक मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट 1 में आएगा, 1 to 10 के स्केल पे इसे मैं 8 से 9 पॉइंट देता हूं कि ये आ सकता है। Thank you.